एटीएम कार्ड से छेड़छाड़ कर एटीएम से पैसे निकाल लेने के मामले में 3 आरोपियों को भिवंडी क्राइम ब्रांच ने उल्लासनगर और अंबरनाथ गिरफ्तार किया है। ये तीनों एटीएम में पैसे निकालने गए भोले भाले लोगों से मदद करने के बहाने पहले उनका एटीएम कार्ड लेते थे और फिर इनका पासवर्ड जानकारी कर लेते थे, और इस तरह से इन लोगों ने भिवंडी, मुमरा, कोलसेत, उल्लासनगर, बदलापुर, कल्याण के लोगों को अपना शिकार बनाया। इनके द्वारा किए गए धोखाधड़ी के 9 मामलों को हालांकि पुलिस ने सुलझा लिया है। बहरहाल अब ये एटीएम से पैसे निकालकर लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाने वाले तीनों आरोपियों को भिवंडी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में उल्लासनगर और अपने ये कल्याण में बहुत जगह पे ऐसी वारदातें हैं जहाँ पे एटीएम में जब लोग पैसे निकालने जाते तो कुछ लोग अंदर घुस कर उनसे बातचीत करते करते उनका कार्ड लेके उनका कार्ड हस्तगत करके उसके बाद उसमें से पैसे निकालते हैं, और ऐसे वारदातें बहुत घटी है अपने यहाँ पे। तो इसकी जानकारी जैसे कि निजामपुरा पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज था, उस मामले में वो जो एटीएम था वहाँ के सीसीटीवी फुटेज देखकर हमारे यूनिट के एपीए केदार साहब और उनकी टीम ने उन आरोपियों को आइडेंटिफाई करके उल्लासनगर और अंबरनाथ से 3 लोगों को गिरफ्तार करके उनसे 10 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। उनके पास से जो व्हीकल्स वो यूज़ करते थे ये गुनाह करने के लिए, ऐसे 2 व्हीकल्स हमने रिकवर कर लिए, 4.5 लाख रुपए के व्हीकल्स हैं। और ये जो अपराधी है ये रिकवर वाले अपराधी है, इनके ऊपर पहले भी 8 मामले दर्ज है, और अभी के तफ्तीश में उनसे ये कल्याण, भिवंडी और उल्लासनगर ऐसा सब मिला के 9 मामलों का खुलासा हो गया है।